मैं अनिल मिश्रा, आपका स्वागत है आपके अपने पशु पक्षी YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपकी गाय जिसका नाम होलस्टीन फ्रीजियन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HF भी बोलते हैं। डेयरी उद्योग के जगत में ये बहुत ही बढ़िया गाय है क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूध देती है। इसकी दूध की कैपेसिटी 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर तक। तो दूध के जो व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जिनको दूध का प्रोडक्शन करना है और दूध को मार्केट में बेचना है, उनके लिए ये गाय सोने की खान है। क्योंकि ये विदेशी नस्ल है, इसमें क्या खामियां हैं, क्यों हमारे भारतीय पशुपालक के लिए ये अच्छी नहीं है, इसके हम सारे अवगुण को बताएंगे। छोटे डेयरी उद्योग के लिए अच्छे नहीं है, दो चार भैंस दो चार गाय वालों के लिए ये अच्छी नहीं साबित हो सकती है। इसके लिए बड़े बड़े प्लांट जो एकदम ऑटोमेटिक सिस्टमैटिक चलते हैं, जहां पर लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, वहां के लिए ये गाय सोने की खान है। लेकिन छोटों के लिए ये आदमी को डुबाने में सबसे बड़ी सहायक है। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है कि अगर आपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लें, नहीं तो वीडियो की भावनाओं में आप बह जाएंगे और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। जो इस विदेशी नस्ल हेलिस्टन फ्रीजियन को ना पालने के लिए हम आपको ये 10 कारण बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका पशु है, आपकी मेहनत है, आप जैसा चाहें वैसा निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, अच्छी तरीके से इस विदेशी नस्ल के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पांचवा पॉइंट और दसवां पॉइंट बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो समझ लिया कि आपने कुछ नहीं देखा। तो चलो चलते हैं, कुछ हम HF के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे जो है पशु पक्षी चैनल पर। आज हम जानेंगे कि इन विदेशी नस्ल में जो अवगुण है, जो नहीं पालनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको खुल करके 10 बातें बताएंगे जो आपको शायद ही अभी तक किसी ने बताया हो। तो सबसे पहला कारण है कि ये हमारी विदेशी गाय जो ये विदेश की है और ठंडे प्रदेश की है, इसलिए इसको ज्यादातर ठंड ही पसंद है। तो ठंड पसंद होने के कारण ये गाय हमारे यहां रहने के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इनको टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री के बीच में इनका सुटेबल टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है, इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालती है। ये सबसे पहला कारण। मित्रों, दूसरा कारण है कि ये इनका प्रोडक्शन ठंडी में ज्यादा होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। वो इसलिए ज्यादा होता है, आराम से चारा खाती है, आराम से आपको दूध देती है। लेकिन जब हमारा अप्रैल, मई, जून हो जाता है तो इनका प्रोडक्शन बिल्कुल नीचे चला जाता है, जबकि हमें दूध उसी वक्त जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूं इन विदेशी नस्लों से आप दूर रहिए। कारण क्या है कि प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा और खुराकी इनके ऊपर हमेशा जाती रहेगी। तो तीसरा कारण यह है कि HF गाय हमेशा शरीर से भारी होती है, खुराकी इनकी ज्यादा होती है। कम से कम ये प्रत्येक दिन 30 से 35 किलो आपका राशन और चारा मिला करके खाती है, जबकि वहीं पर हमारी देश की जो देसी गायें हैं इनसे आधे चारे में गुजारा करके आपको कम से कम 10 से 15 लीटर दूध दे देती हैं। तो क्यों ना हम अपनी देसी गाय को पालें, क्यों हम विदेशी नस्ल पर जाएं? हमको कोई डेयरी तो चलानी नहीं, हमको कोई उद्योग तो करना नहीं, हमें तो अपने घर में रखना है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एक विदेशी नस्ल का एक मुख्य कारण यह भी है कि आप घर से दूर रखिए। मित्रों, चौथा कारण यह है, सबसे बड़ा चीज यह है कि ये अति संवेदनशील होने के साथ साथ इनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता ना के बराबर होती है। इसलिए इनको थनैला रोग, बांझपन, गर्मियों में हीट स्ट्रोक एंड हीट स्ट्रेस हमेशा देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट दवाइयों का, मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे इनसे दूर रहने की ही बात करूंगा। फिर मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि हमारी देसी बहुत सारी नस्लें हैं, उनको आप पालिए।
मित्रों, पांचवा प्रमुख कारण एचएफ ना पालने के लिए हम आपको जो है प्रोत्साहित करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हमारी देसी गाय में और हमारी अपनी खुद की माता जो प्रसूता स्त्री है उसके मिल्क में प्रोलीन नामक एक अमीनो एसिड पाया जाता है, लेकिन इस विदेशी नस्ल की गाय में वो प्रोलीन नामक अमीनो एसिड नहीं मिलता है। अगर हम अपनी देसी गाय या अपने खुद की माता की दूध पीते हैं, अगर हम दूध को थोड़ा ज्यादा भी पी लें तो उससे कोई बीमारी अपच नहीं होती है, लेकिन अगर हम इस एचएफ हॉलस्टीन फ्रिजियन के दूध को पीते हैं तो ये हमको दूध नहीं पचेगा। उसका मुख्य कारण है कि इसके अंदर जो अमीनो एसिड पाया जाता है वो ठीक विपरीत रहता है। उसका नाम है हिस्ट्री डीन। अमीनो एसिड, जो ये प्रोलीन के ठीक विपरीत है। प्रोलीन हमारी देसी गाय में मिलती है और हिस्ट्रीलिन अमीनो एसिड ये हमारी विदेशी नस्ल में मिलती है, इसलिए हमारा इसका दूध हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। ये हमारा मुख्य पांचवा कारण। मित्रों, एचएफ के ऊपर मैंने छठवां पॉइंट ये बनाया है, खास करके हमारा जब वातावरण गर्म हो जाता है, 30 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है, इस गाय का मैनेजमेंट करने में हमें बिजली, पानी, एसी, कूलर, पंखा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दो दो तीन तीन बार नहलाना पड़ता है, इससे हमारी बिजली की खपत बढ़ती है, हमारी पानी की खपत बढ़ती है और हमारी लेबर कास्ट बढ़ती है। लेकिन उसी के विपरीत ये हमें प्रोडक्शन उतना नहीं दे पाती है जितना ये ठंडी में मुझे दे देती है, तो इसलिए ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। इसका सातवां पॉइंट ये है, इनके दूध में मात्र 3.5% आपको फैट मिलेगा। दूध पतला होने के कारण इनके दूध का दाम मुझे बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर हम केवल एचएफ की दूध बेचना चाहें तो पब्लिक नाक भौं दोनों सिकुड़ता है, बहुत पतला दूध है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि एचएफ को ना पाल करके फिर देसी की तरफ आ जाएं। मित्रों, आठवां कारण यह है कि इन गायों को गर्मी बर्दाश्त ना होने के कारण ये हमेशा हाँफती रहती हैं, जबकि देसी गाय बगल में खड़ी होती है वो आराम से जुगाली करती रहती है। तब हम क्या करते हैं, इनको ठंडक प्रदान करते हैं और ठंडक प्रदान करने के कारण इनके शरीर पर ज्यादातर आपको जुए, किलनी, अड़बड़वा, चमोकन, चीचड़ आपको ज्यादा नजर आते हैं, तो एक खर्चा ये और बढ़ा देती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इन गांव से दूर रहें, अपने घर में छोटे लोग ना पालें। बड़े लोगों की बात दूसरी है, उनके पास बड़ा बड़ा मैनेजमेंट है, उनके पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ऑटोमेटिक प्लान है, उनको कारोबार करने दीजिए। छोटे लोग, दो चार गाय, दो चार एक दो गाय वाले जो शौकिया रखे हुए, गाय को रखे हुए हैं दूध असली पाने के लिए, वो लोग एचएफ गाय से दूर रह करके अपनी देसी गाय में बहुत अच्छी अच्छी नस्लें आ रखी हैं, उनको अपनाएं। मित्रों, एचएफ गाय को ना पालने का नौवा कारण ये है कि जो अगले पैर के ऊपर ऊंचा भाग होता है जिसको हम लोग हम्प बोलते हैं या कहीं कहीं पर जगह पर डील बोला जाता है, वो इनके पास नहीं होता है। दूसरी चीज, गले के नीचे जो खाल लटकती है वो गल कंबल इनके पास नहीं होता है, इसलिए इनका दूध हमेशा सफेद होता है और इनके दूध में किसी प्रकार की औषधीय गुण नहीं होते हैं, जबकि देसी गाय में हमेशा औषधीय गुण होते हैं और उनका दूध पीले रंग पर होता है। आपके लिए देसी गाय बहुत ही उपयोग है, इसलिए मैं एचएफ को ना पालने की सलाह देंगे। मित्रों, दसवां मुख्य कारण ये है कि जितनी भी हमारी विदेशी नस्ल की गायें हैं, जिसमें हम एचएफ की जब हम बात करते हैं, तो उनका दूध A1 क्वालिटी का होता है और देसी गाय में A2 क्वालिटी का होता है। A1 और A2 के दूध की क्वालिटी के बारे में हम बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इतना जान लीजिए कि A2 क्वालिटी बेस्ट होता है, जबकि हॉलिस्टाइन फ्रीजन में आपको A1 क्वालिटी मिलता है। A1 दूध में हमेशा आपको
बीटा कैसोमैफिन नामक पदार्थ मिलता है, जो हम उसको BCM7 के नाम से जानते हैं। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, इस दूध को पीने से आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, डायबिटिक टाइप 1 के पेशेंट आप बन सकते हैं, ओटिज नाम की बीमारी से मानसिक विकलांगता होती है, वह सीजोफेनिया नामक आपको बीमारी पकड़ सकती है। ये हमारी जो है HF गाय के दूध का कमाल है। साथ में इसको पीने से आपको मोटापा हो सकता है, जबकि देसी गाय के दूध में मोटापा नहीं होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इन 10 कारणों को लेकर के मंथन करें और आप इनसे दूर रहें। मित्रों, आपने सारे 10 कारणों को जाना, समझा, जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको दिया। अब आपके ऊपर है कि आप HF गाय को अपने यहां रखें कि ना रखें। मैं कोई मना करने वाला नहीं हूं, मैंने अपनी राय दी है। आपको रखना है कि नहीं रखना है ये आप जाने, वो आप खुद निर्णय करिए। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करके बातों को आगे बढ़ाएं, ताकि वो भी इस वीडियो के बारे में जान सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।